इस दुनिया में बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हुए जिन्होंने अपनी नॉलेज के थ्रू हमें बहुत सारी चीजें सिखाई। उन्हीं गुरुओं में से एक गुरु है सद्गुरु, जो अभी भी अपनी नॉलेज के थ्रू हमें लाइफ के बारे में बहुत सारी अमेजिंग चीजें सिखा रहे हैं। सद्गुरु की एक बुक है इनर इंजीनियरिंग, जिसमें उन्होंने लाइफ के बारे में बहुत सारी अमेजिंग चीजें शेयर करी हैं। तो उस बुक से मैं आपके साथ ऐसे टॉप 5 लेसन शेयर करूंगा जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी औसम चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, खुशियां हमारे अंदर होती है। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं आखिर क्यों कर रहे हैं, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, खुश रहने के लिए। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं। आखिर वो लोग कुछ ना कुछ क्यों करते हैं? क्योंकि वो लोग खुश रहना चाहते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि आज दुनिया में 99.99% लोग खुश नहीं हैं। आज टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप कर गई है कि हम घर बैठे खाना पानी दवा कपड़े हर एक चीज़ मंगवा सकते हैं जस्ट अ क्लिक। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्नोलॉजी ने हमें कितना ज़्यादा आराम दिया है। और आज के टाइम में एक आम आदमी के पास जितनी सुविधाएं हैं पहले के राजा महाराजाओं के पास भी वो नहीं थे, और हमारे पूर्वजों के पास तो थी ही नहीं। तो इसलिए हमें अपने पूर्वजों से ज़्यादा खुश होना चाहिए, सही है ना? पर एक्चुअल में हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा खुश थे। पर आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम खुशियों को बाहरी दुनिया में यानी इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ढूंढते हैं, जहाँ पे हमें कभी भी खुशियाँ नहीं मिल सकती। क्योंकि हम इंसान का एक बेसिक सा नेचर होता है एक्सपेंशन यानी विस्तार करने का। आज हमारे पास जितना है हम हमेशा उससे ज़्यादा चाहते हैं, और यही कारण है कि हम कभी भी खुश नहीं रहते। अगर इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, तो अगर आपके पास आज गर्लफ्रेंड नहीं है तो आप सोचोगे अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड हो जाएगी तो मैं खुश रहूँगा। और जब आपके पास गर्लफ्रेंड हो जाती है तो भी आप खुश नहीं होते हो, आप सोचते हो कुछ और हो जाएगा तो मैं खुश रहूँगा। अगर आपकी सैलरी 10,000 रुपया है तो सोचोगे कि अगर मेरी सैलरी 20,000 रुपया हो जाएगी तो मैं खुश रहूँगा। और जब आपकी सैलरी 20,000 रुपया हो जाती है तो भी आप खुश नहीं होते हो, फिर आप सोचते हो अगर मेरी सैलरी 30,000 रुपया होगी तो मैं खुश रहूँगा। और जब आपकी सैलरी 30,000 रुपया हो जाती है तो भी आप खुश नहीं रहते हो, आप हमेशा उससे ज़्यादा ही चाहते हो। और केवल आप ही नहीं, ये हर इंसान का एक बेसिक सा नेचर होता है ज़्यादा चाहने का यानी एक्सपेंशन का। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग खुश नहीं रह पाते, यानी इस बाहरी दुनिया में इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें कभी भी खुशियाँ नहीं मिल सकती। हाँ, हो सकता है कि इन चीज़ों से हम कुछ टाइम के लिए खुश हो जाएं, पर हमेशा के लिए हम खुश नहीं रह सकते। वैसे अगर हम इसे डेप्थ में समझें तो बाहरी दुनिया जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। आज तक हमने जो भी चीज़ें देखा है, समझा है, एक्सपीरियंस करा है, वह हर एक चीज़ हमने अपने 5 सेंसों के थ्रू ही किया है। वैसे अगर हमारे पास ये 5 सेंसेस नहीं होते तो हमें इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता, मतलब हमारे लिए दुनिया होती ही नहीं। वैसे आप अभी मेरी इस वीडियो को कहाँ पे देख रहे हो, अपने फ़ोन पे, टैब पे या लैपटॉप पे? हाँ, अगर आप नॉर्मली सोचो तो आप अपने फ़ोन पे, टैब या लैपटॉप पे मेरी इस वीडियो को देख रहे हो। पर अगर आप इसे थोड़ा डेप्थ में समझो तो इस वीडियो के हर एक इमेज आपके रेटिना पे, आपके माइंड के अंदर बन रहे हैं, यानी हर एक चीज़ हमारे अंदर है। सुख दुख, प्यार नफरत, पैसा, कार, बाइक, गर्लफ्रेंड, हर एक चीज़ हमने हमारे माइंड में अपने 5 सेंसों के जरिए बनाया है। तो इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो खुशियों को अपने अंदर ढूंढो। और अगर आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम है और आप उसका सलूशन चाहते हो तो आप अपने अंदर की ओर देखो। अगर आपको लाइफ में किसी भी चीज़ का आंसर चाहिए तो भी आप अपने अंदर की ओर देखो, मतलब हर एक चीज़ हमारे अंदर है। आपको जो कुछ भी जानना है, समझना है, हर एक चीज़ के लिए आप अपने अंदर की ओर देखो। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर अंदर देखने का तरीका क्या है? तो वो है मेडिटेशन यानी ध्यान करना। मैं खुद मेडिटेशन करता हूँ और इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी है। ये सच में बहुत ही पावरफुल चीज़ है। वैसे मैं मेडिटेशन के बारे में आपके साथ इस वीडियो में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो किसी दूसरी वीडियो में मैं मेडिटेशन के बारे में बताऊँगा। वैसे यूट्यूब पर मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं जिनको देखकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। आप सीखो और मेडिटेशन करना स्टार्ट करो। लेसन नंबर 2, हमारा लक हमारे हाथ में होता है। धरती पर गरीबी को कैसे दूर किया जाए, इस टॉपिक पर एक इंटरनेशनल मीटिंग हो रहा था, जहाँ पर बहुत सारे नोबेल प्राइज विनर, बहुत सारे अमीर, ग्रेट और बड़े बड़े लोग आए हुए थे। वहाँ पर सद्गुरु को भी इनवाइट किया गया था। मीटिंग में मौजूद एक आदमी ने कहा, आखिर हम इन प्रॉब्लम का सलूशन क्यों खोज रहे हैं? शायद भगवान की मर्जी है, भगवान सभी को अमीर नहीं बना सकता, सभी को अच्छी लाइफ नहीं दे सकता। और आई थिंक हम भी ऐसा ही सोचते हैं ना। सद्गुरु ने इसका रिप्लाई किया और कहा, हाँ शायद ये भगवान की मर्जी है। अगर किसी दूसरे का बच्चा भूख के कारण मर रहा है, अगर किसी दूसरे का बच्चा भूख के कारण बीमार हो रहा है, अगर किसी दूसरे का बच्चा भूख से तड़प रहा है, तो शायद इसमें भगवान की मर्जी है। लेकिन अगर आपका बच्चा भूख के कारण बीमार है, अगर आपका बच्चा भूख से तड़प रहा है, तो इसमें किसकी गलती है? इसमें भगवान की मर्जी नहीं है, इसमें आपकी गलती है। आपने कभी प्लानिंग नहीं करा, आपने कभी अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा। अगर आप कमाओगे ही नहीं तो आप अपने बच्चों को कैसे खिलाओगे?
और ये कमाना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कमाना चाहते हो या नहीं कमाना चाहते हो। सदगुरु एक सिंपल सी बात बताते हैं कि जब आप इस धरती पर पैदा हो जाते हो तो ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हो। मतलब ये जो आपकी किस्मत होती है ये पूरी तरह से आपके हाथों में होती है, ना कि किसी दूसरे के। अगर आप कुछ कर रहे हो और आपके साथ चीज़ें हमेशा गलत हो रही हैं और आप बोल रहे हो यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो भले ही आपको पता हो या ना हो, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर या आपके बॉडी के लेवल पर चीज़ें सही नहीं हैं। इन चीज़ों को आपको सुधारने की ज़रूरत है। और इन्हीं चीज़ों के बारे में जब हमें पता नहीं होता तो हम इसे लक का नाम दे देते हैं। 100 साल पहले बहुत सारी बीमारियों को लोग भगवान की मर्जी मानकर हाथ खड़े कर देते थे कि अब तो कुछ भी ना हो पाएगा, पर आज वो बीमारियाँ हमारे कंट्रोल में है, हमने उनका दवा बना लिया। अभी कोरोना वायरस आया, ये भी हमारी गलती के कारण आया है और हमने इसका वैक्सीन भी बना लिया। अगर हम सोचते कि ये भगवान की मर्जी है और हम कुछ कर ही नहीं सकते तो हम कुछ करते ही नहीं, बस हाथ पे हाथ रख कर बैठे होते और वैक्सीन भी नहीं बना पाते और ना जाने कितने और लोगों की जान चली जाती। तो अगर केवल इस टॉपिक को मैं समराइज करूँ तो जो हमारी किस्मत होती है ये हमारे हाथों में होती है, और अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो इसमें हमारी गलती है, भले ही हमें उसके बारे में पता हो या ना हो। लेसन नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक दिन एक मियाँ बीबी के बीच बहस हो रहा था और बहस इस बात को लेकर हो रहा था कि शाम को सामने वाला दरवाज़ा बंद कौन करेगा। बीबी बोल रही थी कि तुम करोगे, मियाँ बोल रहे थे कि नहीं तुम करोगे। तुम करते करते दोनों ने एक फैसला लिया कि दोनों चुपचाप बैठेंगे और जो सबसे पहले बोलेगा वही जाकर दरवाज़ा बंद करेगा। फिर दोनों मियाँ बीबी आराम से बरामदे में एक जगह पर बैठ गए। धीरे धीरे शाम हो गया और शाम से रात हो गया, दोनों चुपचाप आराम से बरामदे में बैठे हुए थे। तभी उनकी गली से कुछ बदमाश गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, लाइट भी जल रही है, कोई पार्टी भी नहीं चल रही है। चलो आखिर देखते हैं हो क्या रहा है अंदर। वो लोग हॉल में इंटर करते हैं तो देखते हैं मियाँ बीबी आराम से चुपचाप बैठे हुए हैं। मियाँ बीबी ने भी उन चोर को देखा, पर वो लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि सामने वाला दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। इसलिए चोर लोगों की हिम्मत बढ़ गई, वो लोग इधर उधर का सामान चोरी करने लगे। टेबल पर रखा सारा खाना उन्होंने आराम से बैठकर खाया। उन्हीं चोरों में से एक चोर था जाकर मैडम जी को किस कर लिया, पर फिर भी मैडम ने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा ना भाई, तो इससे अच्छा है किस दे देते हैं। फिर लास्ट में जाते जाते चोरों ने कहा क्यों ना इस आदमी का आधा मूंछ काट देते हैं। जैसे चोर लोग मियाँ जी का मूंछ काटने के लिए गए, मियाँ जी बोले अरे छोड़ो भी, सामने वाला दरवाजा आज मैं ही बंद कर दूंगा। और मियाँ जी के बोलते ही सारे चोर वहां से भाग गए। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसे कंडीशंस ना आए, पर एक क्वेश्चन हमेशा आता है ना, हु इज रिस्पॉन्सिबल। आखिर जिम्मेदारी किसकी है, आखिर जिम्मेदार है कौन? तो आइए अब हम समझते हैं कि आखिर जिम्मेदारी होती क्या है। हम लोग नॉर्मली समझते हैं जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है सिर पर बोझ लेना, जिससे हमारा फ्रीडम छिन जाता है। और अगर हम इसके बारे में लॉजिकली सोचें तो ये सही भी लगता है कि अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं और अगर आप उनकी जिम्मेदारी लेते हो तो आपको कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसे सोचोगे तो हाँ लगता है कि हमारा फ्रीडम हमसे छिन जाता है, पर एक्चुअल में जो जिम्मेदारी होती है उसका मतलब कुछ अलग ही होता है। देखो जिम्मेदारी को इंग्लिश में रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, रिस्पॉन्स प्लस एबिलिटी, यानी उत्तर देने की क्षमता। तो यहाँ से हमें पता चलता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तर देने की क्षमता होती है। ना तो आपको आंसर देना है, ना ही आपको रिप्लाई करना है, ना ही आपको रिएक्ट करना है, और ना ही आपको एक्शंस लेना है। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का जस्ट सिंपल सा मतलब होता है उत्तर देने की क्षमता। अब वो क्षमता आपके पास हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जब आप किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो उससे आपके पास ऑप्शंस आते हैं, और अगर आपके पास ऑप्शंस आते हैं तो उससे आपको फ्रीडम मिलता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आप एक टेबल पर बैठकर लिख रहे हो और आपका पेन नीचे गिर जाता है, तो अगर आप उस पेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपके पास ऑप्शंस आते हैं। अब आप खुद उस पेन को उठा सकते हो या किसी दूसरे को पेन उठाने के लिए बोल सकते हो, या 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आप उस पेन को उठा सकते हो, या आप उस पेन को ना उठाने का डिसीजन ले सकते हो। और अगर आप पेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो तो आपके पास कोई भी ऑप्शंस नहीं होता, और फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जरा आप यहाँ पे सोचो कि ऑप्शंस का होना आपको फ्रीडम देता है या ऑप्शंस का ना होना। जस्ट थिंक अबाउट इट। देखो हम हर एक चीज़ के लिए एक्शंस नहीं ले सकते, क्योंकि एक्शंस लेने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज चाहिए, और जो रिसोर्सेज होते हैं ये बहुत ही लिमिटेड होते हैं। पर हम हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। अगर आपने टीवी पर किसी भी जहाज़ के क्रैश के बारे में सुना, बहुत सारे लोग उसमें मर गए, अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो तो इसका मतलब आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। अगर कहीं पर टेररिस्ट अटैक हो जाता है और आप उनके बारे में सोचते हो तो भी आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होते हो। यानी जिन चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं उन चीज़ों की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, यहाँ तक कि हम सारे ब्रह्मांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। लेसन नंबर 4, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर नाजी आर्मी ऑस्ट्रिया के एक घर में जबरदस्ती घुसकर 13 साल के एक मासूम लड़की और 8 साल के एक छोटे से लड़के को उनके माँ बाप से अलग करके
बाकी बच्चों के साथ बंदी बनाकर एक स्टेशन पर ले गए और वो लोग वहाँ पर ट्रेन का इंतजार करने लगे। तभी 13 साल की उस छोटी सी लड़की ने अपने 8 साल के भाई को देखा। उसका भाई जूता नहीं पहना था और ऑस्ट्रिया में उस समय बहुत तेज से ठंड पड़ रही थी। तो गुस्सा होकर बोली, बेवकूफ, हमारी लाइफ में इतनी मुसीबतें कम है क्या जो तुम और मुसीबतें ला रहे हो? पता नहीं हमारे माँ बाप कहाँ हैं, पता नहीं हम अपनी माँ बाप से कब मिलेंगे, मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, और तुमने अपना जूता नहीं पहना। तभी ट्रेन आई। ट्रेन में दोनों बच्चे बाकी बच्चों के साथ बैठे और नेक्स्ट स्टॉप पर उनको अलग कर दिया गया। 3 साल बाद जब वह बच्ची आज़ाद हुई तो उसे पता चला कि उसके माँ बाप मर चुके हैं और उसका भाई भी अब इस दुनिया में नहीं है। अब उस लड़की की कानों में बस एक ही आवाज़ गूंज रहा था जो उसने लास्ट टाइम अपने भाई को बोला था। लड़की को बहुत दुख हुआ। फिर लड़की ने खुद से वादा किया कि लाइफ में वो कभी भी किसी को ऐसे वर्ड नहीं बोलेगी जिससे उसे बाद में पछताना पड़े, और उसने ऐसा करके अपनी पूरी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, यह एक रियल और एक हार्ट टचिंग स्टोरी है, और इस स्टोरी से हम 3 लाइफ लेसन सीख सकते हैं। पहला, लाइफ में कभी भी गुस्सा मत करो, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हो तो आप अपने सोचने समझने की शक्ति खो देते हो, और जब भी आप गुस्सा करते हो तो आप हमेशा खुद के साथ गलत ही करते हो, तो इसलिए गुस्सा मत करो। नंबर 2, कभी भी किसी को ऐसे वर्ड मत बोलो जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। नंबर 3, लाइफ में गलतियाँ होंगी आपसे और सबसे होती है, पर आप उन गलतियों से सीखो और आगे बढ़ जाओ। उन गलतियों को लेकर गिल्ट फील करके डिप्रेशन में मत जाओ। लेसन नंबर 5, एक बार ग्रेट फिलोसोफर अरस्तु समुद्र के किनारे बैठे हुए थे और उनके सामने एक प्यारा सा सनसेट हो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, मतलब देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य था। पर अरस्तु अपने थॉट्स की दुनिया में खोए हुए थे। वो इस यूनिवर्स के बारे में सोच रहे थे, कब, क्यों, कैसे, किसने, कौन, और भी ना जाने क्या क्या वो सोच रहे थे। उनको इस प्यारे से ब्यूटीफुल सनसेट से कुछ भी लेना देना नहीं था। उस बीच पर एक आदमी और था, वह बड़ी लगन और मेहनत से अपना काम कर रहा था। अरस्तु ने उसे देखा और उसके पास गए और उस आदमी से पूछा कि भाई तुम कर क्या रहे हो? तो उस आदमी ने कहा कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। वह आदमी अपने पास उस रेत में एक छोटा सा गड्ढा बनाया था और चम्मच से वह समुद्र से पानी लाता था और उस गड्ढे में डाल देता था, और ये चीज़ वो बार बार करता था। तो उस आदमी ने अरस्तु से कहा कि मैं इस गड्ढे में इस चम्मच से समुद्र का सारा पानी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तब अरस्तु खूब हंसे और बोले कि क्या तुम बेवकूफ हो? क्या ये पॉसिबल है कि तुम इतने सारे पानी को इस छोटे से गड्ढे में भर सकते हो? हा 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 हा। तो आदमी बोला कि तुम मुझसे भी बड़े बेवकूफ हो जो इस प्यारे से ब्यूटीफुल सनसेट को इग्नोर करके अपने विचारों की दुनिया में खोए हुए हो, अपने थॉट्स में उलझे हो। क्या तुम अपनी इस छोटी सी खोपड़ी में ब्रह्मांड के सारे सीक्रेट को भर सकते हो? क्या तुम जान सकते हो? क्या ये पॉसिबल है? वह आदमी था ग्रेट फिलोसोफर हेराक्लिटस। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कहानी है ये पूरी तरह से फेक है, पर इसमें सच्चाई है, और इस कहानी से हम लाइफ के 2 अमेजिंग लेसन सीख सकते हैं। नंबर 1, सो कॉल्ड अरस्तु की तरह हम भी अपने लाइफ के बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे अच्छे मोमेंट को मिस कर देते हैं जिनसे हमें सच में खुशियाँ मिलती हैं। हम बस अपने विचारों की दुनिया में खोए रहते हैं, अपने थॉट्स में उलझे रहते हैं। बस हम अपने पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोच सोच कर अपने प्रेजेंट मोमेंट को इग्नोर कर देते हैं, और ये आज के टाइम की बहुत बड़ी सच्चाई है। देखो, डेली हमारे माइंड में 60,000 थॉट आते हैं, जिनमें से 90% थॉट हमारे पास्ट के होते हैं, और बाकी के जो 10% थॉट होते हैं उनमें से भी मैक्सिमम थॉट हमारे फ्यूचर के होते हैं। यानी हम केवल अपने पास्ट एंड फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, कभी भी अपने आज को एंजॉय ही नहीं करते। तो यार, जरा आप सोचो कि आप इस ब्यूटीफुल सी दुनिया में आए क्यों हो? इस दुनिया में सोचने के लिए या इस दुनिया को एक्सपीरियंस करने के लिए? जस्ट थिंक अबाउट इट। तो प्लीज़ अपने थॉट्स की दुनिया में उलझना बंद करो और अपने प्रेजेंट मोमेंट को जीना स्टार्ट करो। देखो, हमारे लिए सोचना ज़रूरी है, जब हम सोचेंगे तभी हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, पर आप इतना मत सोचो कि आप जीना ही भूल जाओ। एंड दूसरा, लॉजिक वर्सेस फेथ। देखो, हम साइंस में बिलीव करने वाले लोग हैं, हम हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, पर हम केवल लॉजिक के थ्रू अपने इस छोटे से माइंड में हर एक चीज़ के बारे में नहीं जान सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉजिक के लिए फैक्ट्स चाहिए और हर चीज़ के बारे में फैक्ट्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो जब हम केवल साइंस के पर्सपेक्टिव से इस दुनिया को देखते हैं, इसे जीना चाहते हैं, लॉजिकली इसे समझना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे हमारी हैप्पीनेस कम हो जाती है, हम पूरी तरह से इस दुनिया को एंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए केवल आप साइंस को पकड़ कर मत बैठो, मतलब हर एक चीज़ के बारे में केवल लॉजिकली मत सोचो, क्योंकि साइंस के पास आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। देखो, साइंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हमें एक अच्छी लाइफ जीनी है तो, पर साइंस के साथ साथ आप फेथ रखो अपने भगवान में जिसे आप मानते हो। जब आप साइंस के साथ साथ भगवान में भी बिलीव करने लगते हो तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बहुत ही अच्छी होने लगती है। तो ये थे सद्गुरु की बुक इनर इंजीनियरिंग से टॉप 5 लेसन्स जो आपके साथ मैंने अभी शेयर किए, और ये जो बुक है ये काफ़ी डेप्थ में है और इसमें बहुत सारी वैल्यूएबल बातें हैं जिस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है,
तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए वैल्यूएबल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।